हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं प्रीवियस ईयर सवाल। तो झारखंड पुलिस 2016 में झारखंड जीके से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर्स का आजकल अति महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आजकल के एग्जाम में अधिकांश सवाल प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में देखते हैं झारखंड पुलिस प्रीवियस ईयर सवाल। तो पहला सवाल क्या था? तो पहला सवाल है तो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन के बारे में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो इनमें चार राज्य दिया है, उनमें से एक राज्य गलत है, जो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन के अंतर्गत नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार कवर किए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। तो पूछा कि कौन सा विकल्प गलत है, तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है तो नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी से थी? तो जब 15 नवंबर 2020 को झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में बनने वाला पहला सरकार कौन सा राजनीतिक पार्टी की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार थी। तो उस झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये सवाल आ जाता है। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे। और भारतीय जनता पार्टी से अलग होके बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाया, जिसका हाल ही में फिर से भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया गया है। तो इससे इतना माइंड में रखिए। तो नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार किस राजनीतिक पार्टी से थी? तो भारतीय जनता पार्टी, तो ऑप्शन बी से सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? तो चांडिल डैम कौन से नदी पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनरेखा नदी पे। तो चांडिल डैम कौन से है नदी पे है? सोनरेखा नदी पे। और सोनरेखा नदी से दो सवाल पूछा जाता है। तो सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के टोरी क्षेत्र है, सॉरी टोरी नहीं, रांची का नगरी क्षेत्र जो है सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा क्या सवाल आता है? सोनरेखा जो है झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है सोनरेखा। और सोनरेखा नदी किनारे बसा एक प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? जमशेदपुर। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ष 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? तो 1785 में कौन से झारखंड के प्रमुख क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटकाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। तो तिलका मांझी को 1785 में फांसी पर लटकाया गया था। और इससे फांसी से संबंधित दो और सवाल आते हैं। कहाँ पर लटकाया गया था? तो भागलपुर में, और कौन से पेड़ से? बरगद के पेड़ से। तो दो सवाल फांसी से और इससे बनते हैं, तो दोनों बनते हैं। तो 1785 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटकाया गया था? तिलका मांझी। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? पाइका। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो पतलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनजातीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने के लिए किस चीज पर झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है? पतलों को बढ़ावा देने के लिए और गरीब व जनजातीय लोगों के रोजगार का सृजन करने के लिए कौन से चीज़ पे झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोकोल प्लेट्स। तो थर्मोकोल प्लेट्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सातों का सही आंसर हो जाएगा 414। तो 414 जो है झारखंड का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार यही पूछा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी के अलावा झारखंड राज्य का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो झारखंड के क्रिकेटर है, इसके अलावा झारखंड राज्य का रहने वाला मौजूदा क्रिकेटर कौन है? तो चार ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा वरुण एरोन। तो वरुण एरोन जो है झारखंड से रिलेटेड एक क्रिकेटर है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो नौवा का आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड महासभा, तो ऑप्शन सी सही है, सॉरी झारखंड महासभा नहीं होगा, आदिवासी महासभा। तो आदिवासी महासभा जो है जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम था, तो आदिवासी महासभा हो जाएगा, तो ऑप्शन आदिवासी महासभा होगा। तो यहाँ झारखंड
महासभा टाइप हो गया था, तो आदिवासी महासभा होगा। अगला सवाल क्या है, झारखंड में किस स्थान को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहा जाता है, यानी कि छोटा नागपुर की रानी कौन से स्थान को बोला जाता है? तो दसवां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नेत्रहाट। तो नेत्रहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है। और नेत्रहाट जो है कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में? नेत्रहाट जो है लातेहार जिले में स्थित है। और नेत्रहाट में झारखंड का सर्वाधिक ठंडा पड़ता है, और नेत्रहाट में ही झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी है। अगला सवाल देख लेते हैं, मुंडा भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो मुंडा भाषा जो है कौन से भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ग्यारहवां का, तो ग्यारहवां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो मुंडा भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन सी झारखंड की लोक चित्रकला है? तो झारखंड की लोक चित्रकला कौन सी हो जाएगी? तो सोहराय, तो सोहराय जो है झारखंड की एक प्रमुख लोक चित्रकला है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा जिला है? तो झारखंड के उत्तर में यानी कि ऊपर साइड में कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो तेरहवां का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहिबगंज। तो साहिबगंज जो है झारखंड के उत्तरी उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पे है? तो झारखंड में स्थित बिरसा जूलॉजिकल पार्क कौन से जगह पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क जो है रांची में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बिरसा जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? रांची, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, पंद्रहवां सवाल है, तो झारखंड में उत्तर से दक्षिण के जिलों का क्रम कौन सा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण के जिलों का क्रम कौन सा है? तो सही ऊपर से नीचे, तो पंद्रहवां का सही आंसर क्या हो जाएगा, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो झारखंड में उत्तर से दक्षिण के जिलों का क्रम हो जाएगा चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा सवाल के अनुसार। अगला सवाल देख लेते हैं, तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 79,714 झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, और झारखंड का जो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, तो 2.2% जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 79,714 किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो किस निगम ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन से निगम ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सत्रहवां का सही आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने पतरातू ताप बिजली घर के प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? और झारखंड पुलिस में इसी सेट में तिलका मांझी से दो सवाल पूछा, दोनों सेम टू सेम है, लेकिन केवल चेंज किया था पूछने का तरीका। तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो 1785 में हो जाएगा, और पूछा था 1785 में किसको फांसी दिया गया था, तो सही आंसर है तिलका मांझी को। तो इसी वही सेम टू सेम सवाल पूछा है, तो तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी, 1785 में, कहाँ पे? भागलपुर में। अगला सवाल क्या है, तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवर दास। तो रघुवर दास जो है झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री है। और मधु कोड़ा से क्या सवाल बनता है, तो मधु कोड़ा जो है झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री है। तो झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। अगला सवाल क्या है, बीसवां, तो झारखंड मूल के किस आईपीएस अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था? तो झारखंड के कौन से आईपीएस अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था? तो बीसवां का आपका सही आंसर है सुवेंद्र कुमार। तो सुवेंद्र कुमार झारखंड के आईपीएस अधिकारी है जिसको 2015 में राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, तो किस नेता की जन्म तिथि झारखंड राज्य के उदय वाली तिथि को जो 15 नवंबर 2000 को है, तो 15 नवंबर को झारखंड के कौन से नेता की जन्म तिथि पड़ती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो है झारखंड के प्रमुख राजनेता थे और स्वतंत्रता सेनानी, तो इसका
जन्म जो 15 नवंबर है तो उसी तारीख को झारखंड की स्थापना दिवस भी होता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। तो 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा अपने जीवन में मात्र 25 साल तक जीवित रहे थे। ये भी सवाल पूछा है जेसएससी ने। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के एक प्रमुख औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर किस शहर के समीप है? तो झारखंड के एक प्रमुख औद्योगिक विकास क्षेत्र आदित्यपुर कौन से शहर के समीप है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमशेदपुर। तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है जमशेदपुर शहर के समीप है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हुडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पे है? तो हुडरू जलप्रपात जो है झारखंड की कौन सी नदी पे है? तो तेईसवां का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है हुडरू जलप्रपात। और हुडरू जलप्रपात किस जिले में है? जिले की बात की जाए तो रांची जिले में स्थित है और स्वर्णरेखा नदी पे है। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड के किस जिले में पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिले में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो झारखंड के गिरिडीह जिले में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। और पार्श्वनाथ की ऊंचाई कितनी है? पार्श्वनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। ये भी पूछा है जेएससी और जेबीसी में। और इसकी मीटर फीट में बात की जाए तो 2480 फीट हो जाएगी। और पार्श्वनाथ पर्वत जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देख लेते हैं 25 का। झारखंड वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो सॉरी झारखंड में सारंडा वन। तो सारंडा वन झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो सारंडा जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है तो किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो कौन से जनजातीय त्यौहार को झारखंड में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदना, ऑप्शन बी। तो बंदना जनजातीय त्यौहार है जिसको झारखंड में नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये था झारखंड पुलिस 2016 में पूछा गया महत्वपूर्ण सवाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।